इस वीडियो में जो है ढेर सारी खबर निकल कर आ रही है, दो गुड न्यूज है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और सबसे पहली जो खबर आ रही है वो प्रभास की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, प्रभास की एक नई मूवी आने वाली है और ये बहुत ही फाड़ू मूवी होने वाली है और जिसका नाम है आदि पुरुष। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि बाहुबली सबसे अच्छी मूवी गई थी और इसने काफ़ी करोड़ की कमाई की थी, तो ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम सारा कुछ बताएंगे इसके बारे में कब ये रिलीज होगी। दोस्तों दूसरी खबर आ रही है, वो आ रही है जियो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जियो की तरफ से आपको जो है 5 महीने का फ्री डाटा मिलने वाला है, तो हम आपको बताएंगे ये कैसे मिलेगा, तो पूरी वीडियो जो है आप देखते रहिए। दोस्तों तीसरी खबर आ रही है टिकटॉक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि टिकटॉक को जो है खरीदने वाला है ओरिकल, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम रखते हैं सोशल मीडिया पर नजर। दोस्तों पहली खबर आ रही है आदि पुरुष जो है प्रभास की मूवी, उसका ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट हो चुका है और ये मूवी जो है 2021 में कंप्लीट होगी और 2022 में रिलीज होगी। और इसमें जो है मेन लीड रोल निभाने वाले हैं प्रभास, और ये मूवी जो है बताई जा रही है 2021 में जो है ये मूवी पूरी हो जाएगी और 2022 में ये रिलीज हो जाएगी। और इसका बजट है काफ़ी हाई बजट है और ये मूवी पूरी जो है रामायण पर बेस होगी, और रामायण पर बेस होगी ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, क्योंकि जिससे जो है इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने जो है तानाजी मूवी को डायरेक्ट किया था, इस मूवी को यही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि बाहुबली जो मूवी थी उसने जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, इस मूवी ने काफ़ी ज़्यादा कमाई करी थी और इसके साथ साथ जो है ये 2022 में आपको देखने को मिलेगी। तो आपका इसका कितना इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगली खबर आ रही है जियो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जियो के जो यूज़र्स हैं उन्हें 5 महीने के लिए बिल्कुल फ्री डेटा मिलने वाला है। और ये कैसे मिलेगा, अगर आप जो है जियो की वाईफाई परचेस करते हैं, अगर जियो की वाईफाई परचेस करते हैं तो उसके साथ साथ जो है 1.5 GB डेटा आपको 5 महीने के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है जियो की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं jio.com, उस पर आपको जो है 5 महीने करके आपको फ्री ऑफर करके सर्च करना होगा गूगल क्रोम में, तो आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें सारी कुछ डिटेल दी हुई है, आपको इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर आ रही है टिकटॉक की तरफ से। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था एक वीडियो में कि ओरेकल कंपनी जो है टिकटॉक को खरीदने वाली है, वो भी US का व्यापार खरीदने वाली है, तो मैं आपके लिए जो है हिंदी में पूरा रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ, पूरी सारी को डिटेल लाया हूँ, तो आप उसे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओरेकल कहते हैं कि टिकटॉक के अमेरिका प्रचालन की बोली लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों आप इसे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूँ और वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बिल्कुल पूरा जो है लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए। इस आर्टिकल में जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर और जो है टिकटॉक वाइडांस सारी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, आप बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं। और डेटा की सुरक्षाओं के लिए जो है इसमें पूरा विभाजन किया गया है। अब ओरेकल जो है टिकटॉक को खरीदने वाली है, अब ये इफेक्ट इसे ये पड़ेगा, अगर ओरेकल जो है टिकटॉक को खरीद लेती है तो आने वाले समय में जो है ये थोड़ा ये हो जाएगा कि हाँ टिकटॉक जो है चाइनीज ऐप नहीं है, तो अपने इंडिया में आने के लिए इसका रास्ता पूरा बिल्कुल साफ हो जाएगा और मुकेश अंबानी बड़ी आसानी से इसे खरीद सकते हैं और हो सकता है इसका नाम भी चेंज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आशंका जताई जा रही है, अगर टिकटॉक को जो है मुकेश अंबानी खरीदते हैं तो उसका नाम भी चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव तो करना ही होंगे, लेकिन अभी ये ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा है। दोस्तों हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हिंदी तो पढ़ना आती होगी, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ओरेकल जो है टिकटॉक को खरीदने वाली है, ओरेकल अगर टिकटॉक को खरीद लेती है तो इसकी इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पर, इंडिया भी इसमें आगे आएगी खरीदने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी इंडिया का व्यापार टिकटॉक का खरीद सकते हैं, अगर ये खरीद लेते हैं तो बहुत जल्द जो है टिकटॉक हमारे इंडिया में वापस आ सकता है। और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सोशल मीडिया अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।